हेलो गाइस, कोऑर्डिनेटर सीरीज की एक और न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि लाइब्रेरीज को किस तरीके से हम कोऑर्डिनेटर में लोड करते हैं और कैसे हम यहाँ पर मल्टीपल लाइब्रेरीज को लोड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेल्पर्स के बारे में। ओके, तो कोऑर्डिनेटर में हेल्पर क्या होते हैं गाइस? हेल्पर्स लाइब्रेरीज की तरह ही एक रियूजेबल कोड है। ओके, बट फर्क क्या है गाइस? फर्क ये है कि लाइब्रेरीज कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं और हेल्पर्स क्या है गाइस? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है जिनका अलग अलग अपना डिफरेंट टास्क होता है सबका। जैसे हैं तो अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म हेल्पर की आवश्यकता होगी। ओके, और अगर हमें कहीं पर लिंक क्रिएट करना है तो हमें URL हेल्पर का यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हेल्पर हैं गाइस, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर में इसको लोड कैसे करते हैं। सेम तरीका है गाइस, जैसे हम लाइब्रेरीज को लोड करते हैं तो यहाँ लाइब्रेरीज की जगह हम हेल्पर लिखेंगे और इसके अंदर हेल्पर का नाम। तो मल्टीपल हेल्पर भी हम यहाँ पर लोड कर सकते हैं इसी तरीके से, पर सिंगल हेल्पर अगर लोड करना है तो यहाँ पर हम इसे करेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे डॉलर दिस लोड हेल्पर एंड हेल्पर का नाम। तो हेल्पर का नाम जैसे यहाँ पर है URL हेल्पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे URL, तो ये यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस URL हेल्पर के बारे में भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम autoload.php नाम से एक फाइल है हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ से इसको autoload भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमें हेल्पर को ऑटोलोड करने का भी ऑप्शन है। ओके, तो ये देखिए हेल्पर को, तो हम यहाँ पर ऑटोलोड भी इसको कर सकते हैं जैसे URL, और यहाँ पर मल्टीपल करना है तो कॉमा करके। यहाँ पर फॉर्म हेल्पर भी गैस हमारे पास और एक HTML हेल्पर भी है। इस तरीके से मल्टीपल हेल्पर को हम यहाँ पर लोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ लोड नहीं करना है ऑटोलोड नहीं करना है तो किसी भी कंट्रोलर में हम इसको एरे के फॉर्म में यहाँ पर मल्टीपल को लोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लाइब्रेरीज के बारे में आपको बताया। ओके, इस तरीके से हम हेल्पर को यहाँ पर लोड करते हैं। हेल्पर के बारे में, ओके,